Hello students, let's see this question. The question says correct order of electrophilic substitution reaction is, char aapko kya diye hai, compounds diye hai, aapko batana hai correct order kya hoga electrophilic substitution ka, theek hai, matlab easily kisme electrophilic substitution ho jayega. To benzene ring pe hi electrophilic substitution hoga, benzene ring mein kabhi bhi electrophilic ya nucleophilic addition reaction nahi hota hai, matlab in short addition reaction itni easily nahi ho sakta, but electrophilic substitution reaction ho sakta hai. सिंस ये जो बेंजीन रिंग है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये गवर्न करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है. तो इन ग्रुप्स का नेचर हमें पता होना चाहिए. ये मिथाइल ग्रुप है, ये कैसा होता है आपका प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है. कैसे शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से. प्लस आर का मतलब क्या होगा, यह मैं प्लस आर नहीं लिखती, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, एच इफेक्ट शो करेगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा. प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से भी हम बोल सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट से भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा. तो रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल इजिली आकर सब्सटीट्यूट कर पाएगा हाइड्रोजन को, ठीक है. सिमिलरली ओ सी एच थ्री है, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या हो सकते हैं, एडजेसेंट पाई सिस्टम के साथ रेजोनेंस में जा सकते हैं, तो प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है. Cl है, Cl के पास में अगेन लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा. बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इस वजह से ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी रखता है, ठीक है. द रीजन बीइंग कि यहाँ पे कार्बन और जो क्लोरीन है इनके साइज में डिफरेंस होता है, तो प्लस आर इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग नहीं होगा. रीजन क्यों, साइज में डिफरेंस है, तो ऑर्बिटल्स इतनी प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे. जबकि जो माइनस आई इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होती है, बट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, इस वजह से माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेटिंग होता है. तो ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, बट साथ में रिंग को डीएक्टिवेट भी कर देता है. मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी ईजिली इसमें नहीं हो सकते, ठीक है, इतनी ईजिली नहीं हो सकते जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे. एंड सी एच ओ ग्रुप कैसा होता है, ये आपका माइनस आर इफेक्ट होता है, मतलब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेजोनेंस के थ्रू क्या करता है, डिक्रीज करेगा. कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डबल बॉन्ड में है, तो इस वजह से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पुल करेगा अपनी तरफ. तो सबसे ज्यादा जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो डी में होगी, ठीक है. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे जो कम देखने के लिए मिलेगा वो डी में मिलेगा, फिर उसके बाद सी में मिलेगा, फिर किस में मिलना चाहिए, फिर आपका ए में मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा आपका बी में होगा. ए में क्यों मिलेगा, क्योंकि ए के अंदर आपका माइनस सॉरी प्लस आई एंड एच इफेक्ट लग रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट नहीं है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है. जबकि मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यही कहीं कि वो स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो इजिली डीलोकलाइजेशन शो नहीं करेंगे. जबकि ओ सी एच थ्री के अंदर लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो इजिली मूव कर पाएंगे, राइट. So, ये ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा. सो अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.